सर यहाँ सुन लीजिए सर, टोटली केव 100 मीटर का सर, 100 मीटर में बाहर जो अभी आने के समय ब्लैक स्टोन देखे ना सर, 60 मीटर जो है डेड हो चुका है डायरेक्ट सूरज की रोशनी और रेन वाटर पड़ने की वजह से, क्योंकि ऊपर से खुला है सर, वजह से डायरेक्ट पड़ती है ना सर। यहाँ 40 मीटर जो आपको लाइम स्टोन देखने को मिलेगा सर, यहाँ पीछे के साइड देखिए सर, ये वाली जहाँ पे लाइट मार रहा है ना, या ऊपर के साइड देखिए, यहाँ पे सर, यहाँ पे देखिए सर, ये वाली जहाँ पे लाइट मार रहा है, स्पैनल कोड होती है ना सर, बैक बोन उनके शेप में सब नेचुरल बना हुआ है सर, कोई बनाया नहीं है सर। इनका फॉर्मेशन कैसा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर, वाटर कैसा है, एलिफेंट का तरह लग रहा है ना, इसके ऊपर ना सर बहुत सारा ट्री है सर, ट्री के रूट्स होती है ना सर, उससे वाटर आ रहा है सर, टोटली केव कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, बस आपको इमेजिन करना होगा सर। अब जैसे जैसे इमेजिन करेंगे वैसे ही नजर आएगी सर, क्योंकि अंदर के साइड सर बहुत सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है सर, नेचुरली बना हुआ है, बस आपको इमेजिन करना होगा। हाँ हाँ सर, सर यहाँ पे देख लीजिए ऊपर के साइड, ये वाली देखिए सर, जैसे आप समुद्र में जेली फिश देखे होंगे ना सर, जेली फिश के शेप में देखिए, छोटी छोटी सब नेचुरल बना हुआ है सर, नीचे देख के चलो, पत्थर रहेगा यहाँ पे, रुकिए रुको, सर यहाँ पे देख लीजिए सर, इस वाली पे जहाँ पे लाइट मार रहा है सर, ये वाली देखिए, जैसे आप मंदिर में संघ देखे होंगे ना सर, संघ के शेप में सब नेचुरली बना हुआ है सर। और आप नीचे के साइड देखिए, नीचे के साइड ये वाली जहाँ पर लाइट बन रहा है ना, देखिए शाइनिंग स्टोन सिलिका माइका, जहाँ पे सिलिका माइका की मात्रा ज्यादा होती है वहां पे शाइनिंग कर रहा है, आपको आगे भी शाइनिंग स्टोन देखने को मिलेगा, और अंदर किसी भी स्टोन को टच नहीं करना है, टच करने से ऐसे ब्लैक हो जाता है, यहाँ पे देखिए टच करके ब्लैक हो गया, ये क्या है, ग्रो करना बंद कर दिया, बढ़ना बंद कर दिया। यहाँ पे देख लीजिए इस वाली स्टोन को देखिए, ये दो तरह की स्टोन है, स्टैलेक्टाइट स्टैलेगमाइट, ये दोनों तरफ से ग्रो कर रहा है, स्टैलेक्टाइट ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा है, स्टैलेगमाइट नीचे से ऊपर की ओर, साल में एक इंच बढ़ती है सर पूरे केव के अंदर, अच्छा बढ़ती रहती है जी जी, आप देख सकते हैं अभी भी देखिए नीचे के साथ गैप दिख रहा है सर, और ये कुछ ही सालों में ज्वाइंट हो जाएगी सर, पिलर की शेप ले लेंगे। अभी जहाँ हम जा रहे हैं ना सर 40 मीटर के आगे, और पहले 40 मीटर जा सकते थे, स्टोन जो है ग्रो करके बंद हो गया सर जी जी, आगे फिर लाइम स्टोन के बनाया हुआ है, सर ये पहले ना सर समुद्र के अंदर थी सर, बहुत साल पहले समुद्र के अंदर थी सर, पानी जो है चला गया सर, ये ऊपर आ गया सर, यहाँ पे सर और भी बहुत सारा केव है सर, वो जो है बहुत दूर दूर पे है सर, जैसे 9 किलोमीटर से दूर दूर पे है, टोटली 226 केव है सर यहाँ पे, ये जो है सामने पड़ता है ना सर, उसकी वजह से ये ओपन कर दिया, इसी पे ज्यादा लोग जी जी, जी। और यहाँ पे देख लीजिए सर, यहाँ पे देख लीजिए सिंक होल की बोर्ड लगी हुई है सर, आप ऊपर के साइड देखिए दो नेचुरल हॉल है सर, सिंक हॉल ऊपर के साइड देखिए लाइट आ रही है, जब केव के अंदर भीड़ हो जाती है ना सर, ऑक्सीजन हमें यहीं से मिलती है सर, और आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे सूरज की रोशनी और रेन वाटर पड़ती है, देखिए ब्लैक होते जा रहा है, जैसे मार्स पे ब्लैक स्टोन देखिए ना सर, ये सब लग लगे थे काली पड़ गई है, लोगों के सब लगते रहते हैं, आगे जाएंगे चलो चलो चलो, और यहाँ पे देख लीजिए ये वाली दिख रहा है सर, ये वाली ये पेड़ की रूट है सर, स्टोन के अंदर से आई है, अब ऊपर के साइड देखिए वहाँ पे देखिए जहाँ पे लाइट मार रहा है ना, देखिए अंदर से आई है स्टोन के अंदर, और आप यहाँ पे भी शाइनिंग स्टोन देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए शाइनिंग मार रहा है, पानी आ रहा है ना, आगे आइए देख बेटा तुम इधर,
बिल्कुल बीच में, बीच में चल, बीच में सर यहाँ पे देख लीजिए सर, ये वाले स्टोन दिख रहा है सर, इसी पे मालूम होगा सर, देखिए ये स्टोन भी ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा है सर, स्टालक टाइप, ये वाले स्टोन धीरे धीरे करके ये भी बढ़ रहा है सर। और यहाँ पे देख लीजिए सर, ये वाली डिफरेंट कलर गोल्डन स्टोन, आप ऊपर के साइड देखिए सर, ये वाली हॉल दिख रहा है ना सर, जब बारिश आती है ना सर, बारिश के पानी यहाँ से अंदर आती है सर, तो बारिश के पानी सर मिट्टी भी आती है, मिट्टी आगे स्टोन के साथ मिक्स हो जाता है, ब्लैक ब्लैक क्या हो रखा है ये वाली सर, ये भी पेड़ की रूट्स है सर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी शाइनिंग दिख रहा है सर, और यहाँ पे देख लीजिए सर, ये वाली दिख रहा है ना सर, ये वाली छोटी सी गधा के शेप में, गधा ये भी कुछ शेप है नीचे नीचे देखिए बना हुआ है देखे, उसी तरह फॉर्मेशन होते रहेगा, देखिए को